Are you able to see the PPT? Yes, sir. Sir. So here what you can see that there is what I've asked you, the SI unit of wavelength. Meter. Yes. Meter, lambda is just the symbol. Okay. Lambda is, what is the relation between F and lambda? So inversely. F equal to mu lambda, sir, directly proportional. F is equal to mu lambda. Isn't it? Yay. What is F? What is mu and what is lambda? Yeah. What is the relation between this nu and lambda? What is this product is known as? Yes. Anybody? So F equal to C by lambda. F is equal to C by lambda. So what is C? C is equal to F lambda, not F is equal to nu lambda. C equals, okay, so let me write it. Instead of writing this C, instead of writing C equals nu lambda. So what is this C here? What is this C here? Speed of light in background. Speed of light. Yes, speed of light. What is nu? Frequency. What is lambda? Sir, wavelength. Wavelength. So what is the unit of this C? Sir, meter per second. Meter per second. What is the unit of F? That is frequency. Sir, hertz. Hertz. And what is the unit of wavelength? Meter. Meter. Okay. So all of you should know this. Okay, so here you can see that the radiation type in wavelength दिया हुआ है, radio जो signal है, radio wave, उसका जो wavelength दिया हुआ है 10 to the power 3. ओके यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10 टू द पावर 3 ये जो वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडियो सिग्नल. ओके, नाउ दिस रेडियो सिग्नल जो 10 टू द पावर 3 है, क्या 10 टू द पावर 3 मीटर? 10 टू द पावर 3 मीटर मतलब कितना हो गया ये? 1000 मीटर. सो दिस मे बी एज हाइट ऑफ द व्हाट इज दिस ट्विन टावर्स आई थिंक, है ना? सो जो ट्विन टावर्स है या बिल्डिंग है उनके साइज का ये वेवलेंथ है. ओके, अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो इसका जो साइज होगा, इस वेवलेंथ का जो साइज, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ? व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ? नोबडी. ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है. ओके, सो वेवलेंथ नाम क्या है? वेवलेंथ मतलब क्या? लेंथ का वेव, सॉरी, वेव का लेंथ. वेव का लेंथ मतलब क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द वेव, व्हिच इज वेवलेंथ.
सो आइदर ये जो वेव है, इस वेव के जो दो पीक्स हैं, टू कंसेक्यूटिव पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। या तो टू कंसेक्यूटिव पीक्स का बात करें या टू कंसेक्यूटिव लोज का बात करें, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो दिस इज द वेवलेंथ। सो फ्रॉम द नेम से आप लोगों को पता लगना चाहिए ये क्या बताता है, वेव का लेंथ बताता है। और ये वेव का लेंथ जो बताता है, दिस इज द लेंथ ऑफ अ वेव, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, टू ट्रफ्स और टू लोज। ठीक है, तो यहां पर जो आप वेवलेंथ देख रहे हो, इसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 10^3, मतलब 1000 मीटर। इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल के दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1000 मीटर। समझ लो कि इसका मतलब है कि इतना लंबाई है इसके एक ऑसिलेशन का, है ना। इन द सेकेंड केस व्हेन वी डील अबाउट माइक्रोवेव, सो माइक्रोवेव की जब बात करते हैं तो वेवलेंथ का जो साइज है वो कितना हो जाता है, आप क्या देख रहे हो, 10^-2। 10^-2 क्या है, मीटर है। सो 10^-2 मीटर का क्या मतलब हुआ, 1/100 मीटर। 1/100 मीटर का मतलब क्या हुआ, अगर 0.01 मीटर अगर सेंटीमीटर में लिखें तो कितना होगा, 0.01 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना होगा सर, 0.0001 सर, वन ना, एक मिनट, 0.0001 सेंटीमीटर होगा आशीष, नहीं सर गलत हो गया सर, गलत हो गया, 1 सेंटीमीटर ये ऐसा एटम बम वाला गलती करोगे तो कैसे होगा, हाँ कितना होगा सेंटीमीटर में, 1 सर 1 होगा, कैसे निकाले, मल्टीप्लाई कर दिए सर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, है ना। तो 0.01 मीटर है, मतलब कितना हो गया ये, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब हम माइक्रोवेव रेंज में चले जाते हैं तो वेवलेंथ जो है उस वेवलेंथ का वैल्यू 10^-2 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट नाउ कि हम जो पहले सिग्नल लिए थे उस सिग्नल का, यानी कि हम जो पहले रेडियो सिग्नल लिए, इस सिग्नल का वेवलेंथ 1000 मीटर था, और जो कि माइक्रोवेव रेंज में जाने पर ये कितना हो गया, यानी कि दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर ओनली। ओके, सो इन दिस वे व्हाट वी कैन अंडरस्टूड। ओके, हम आगे देखेंगे कि ये जो चीज हो रही है इससे कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द इंफ्रारेड रेंज। इंफ्रारेड रेंज की जब हम बात करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना होता है, 10^-5। सो 10^-5 मीटर का मतलब क्या हो गया, कितना सेंटीमीटर, या इसको 10^-5 है तो इसको मिलीमीटर में दिखाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10^-5 ये मीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 10^-2। माइनस टू क्या, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, स्केल में देखे हो मिलीमीटर,
स्केल में सेंटीमीटर मिलीमीटर देखे हो? हाँ सर। मिलीमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है? कोई एक एग्जांपल बताओ, कोई एक एग्जांपल देकर कि इतना बड़ा डिस्टेंस हो सकता है मिलीमीटर। कोई नहीं सर, ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है। ओके, आप यहाँ पर देखते हो। ओके, आपने सही एग्जांपल दिया है। एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ग्राफ का एक बॉक्स लेते हैं। सिर्फ ग्राफ में एक बॉक्स जो रहता है, ये जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं ये एक सेंटीमीटर है ना। ये जो डिस्टेंस है ये एक सेंटीमीटर है चारों तरफ। दिस इज वन सेंटीमीटर। ये अगर तुम स्केल से मेजर करोगे तो एक सेंटीमीटर से उसका थोड़ा ज्यादा दिखे। नाउ दिस वन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 पोर्शंस। सो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब ये एक मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर का कितना पार्ट होता है? एक मिलीमीटर एक सेंटीमीटर का कितनावा पार्ट होता है? देखो ये सब बात बताने में इतना टाइम लगाते हो। 1/10। 1/10 यानी कि एक मिलीमीटर जो होता है वो दसवां पार्ट होता है एक सेंटीमीटर का। मतलब यहाँ पर ये जो मैंने 10 पार्ट किया, इसमें जो एक पार्ट है वो एक मिलीमीटर को शो कर रहा है। ओके, एक मिलीमीटर ये डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस। ओके, नाउ दिस इज ये एक मिलीमीटर है और यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया यहाँ पर वैल्यू कितना आया है? 10^2 मिलीमीटर। 10^2 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1/100 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का भी 100वां भाग। यहां पर हमने जो ये छोटा पार्ट शो किया है, ओके, यहां पर हमने जो ये छोटा वाला पार्ट शो किया है यहां से यहां तक, इसका भी कितना है? 100। मतलब इस स्मॉल पोर्शन का भी 100वां भाग। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा डिस्टेंस है। सो दैट डिस्टेंस विल कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विथ योर नेकेड आईज ऑल्सो। सो 10^5 वैल्यू का ये इंफ्रारेड रेंज है, मीन्स वेवलेंथ इसका बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट इज अ विजिबल रेंज। नाउ द विजिबल रेंज इज ऑफ द वैल्यू ऑफ 0.5 × 10^-6 मीटर। सो मतलब ये माइक्रो साइज का हो गया, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोमीटर। नाउ विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। सो प्रोटोजोआ जो हम बात करते हैं, जो कि बहुत स्मॉल साइज के सेल्स हैं, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। नेक्स्ट इज द अल्ट्रावायलेट रेज विच आर ऑफ द साइज ऑफ 10^5। यस सर, इंफ्रारेड जो बताए सर, उसका कुछ एग्जांपल बताइए ना। मतलब वो तो नेकेड आईज से मतलब विजिबल होता है ना, इंफ्रारेड रेज। यस सर, इंफ्रारेड रेज विजिबल होता है। तो ये विजिबल क्या है? विजिबल सर मतलब वो दिखता है। अच्छा, हाँ ये दिखता है, मतलब इंफ्रारेड रेज को आप देख पा रहे हो, लेकिन उसके बीच का जो वेवलेंथ है that cannot be distinguished using that your naked eyes. यहाँ पर wavelength की बात कर रहे हैं, so this wavelength cannot be distinguished through your naked eyes. यहाँ पर आप देख पा रहे हो that यहाँ पर ये एक example दिया है of the order of needle point. Okay, so needle point एक बहुत ही निडल का जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, दैट इज दैट यू कैन अंडरस्टूड। सो विच इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट। तो जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि एक मिलीमीटर का भी 100वां भाग, आप जानते हो, आप स्केल में देख सकते हो कि एक मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और उसका अगर हम 100वां पार्ट लेंगे तो क्या हम अपने हाथों से इसके बीच में 100 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? ये जो डिस्टेंस छोटा सा है, इसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या अपने हाथों से? नो सर, नहीं कर सकते।
So in that case, I have told you that this is invisible, or you cannot see through your naked eyes. Okay. Next is the ultraviolet and X-ray and gamma ray. So you can see here that the frequency is increasing in this direction. So as the frequency is increasing, so you can see that the wavelength is decreasing. Wavelength matlab waves ke beech ka jo ye distance hai, ye ghatta hi ja raha hai. So yahan par ye frequency range diya hua hai, that 10 to the power 4, 10 to the power 8. Now next is the temperature of objects at which this radiation is the most intense wavelength emitted. Okay, so yahan par jitna hi frequency badh raha hai, based upon that uska jo temperature value hai, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी द मॉड्यूलेशन. सो आई थिंक वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. आप लोगों का नेक्स्ट कुछ क्लास है अभी? No, sir. Okay. ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. ऑल ऑफ यू मस्ट ज्वाइन इन द गूगल क्लासरूम व्हाट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप.